Hey mates, आप सेलुलॉइड पैराडाइज में हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को सब्सक्राइब करने की और साथ में ही एक स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि स्पॉइलर्स हर जगह होते हैं। तो आपका वक्त जरा भी बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेट्स द ग्रे मैन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। आप लोगों ने मूवी को काफी पसंद भी किया है। मूवी के बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो में द ग्रे मैन मूवी और अगर ये आगे एक फ्रेंचाइजी बनती है उसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल आप लोगों को दी है। तो चलिए अब इस मूवी का रिव्यू करते हैं। मूवी मैं कहना चाहूंगा बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं है, एक एवरेज मूवी है। बहुत खराब भी नहीं बनाई है रूसो ब्रदर्स ने और बहुत जबरदस्त भी नहीं बनाई है। वो शायद इसलिए क्योंकि आगे ये मूवी फ्रेंचाइजी में बदलने वाली है, क्योंकि मूवी के एंडिंग में हमने देखा फिलहाल कोर्ट जेंट्री के सियरा 6 अब एक रन पर है। वो अब CIA का एजेंट एक तरह से नहीं है, क्योंकि कोर्ट जेंट्री को जिन्होंने अपॉइंट किया था फिट्ज़ोरी, वो रिटायर्ड भी हो चुके हैं और आखिर में वो मर भी गए हैं। और ये प्रोग्राम CIA चलाना भी नहीं चाहता है, खासकर कर्माइकल। और कर्माइकल के काले कारनामे सामने नहीं आए हैं। सुजैन ब्रीवर ने लॉयड हंसन को मार दिया और लॉयड हंसन को ही सारा इल्जाम दे दिया जाएगा। तो सियरा 6 अभी रन पर है, कर्माइकल अरेस्ट नहीं हुआ है। तो आगे ये स्टोरी चलेगी और एक फ्रेंचाइज बनेगी। धनुष का कैरेक्टर अवीक सेन वो भी आगे हमें दिखेगा, एक लोन वुल्फ। अच्छा लगा मुझे धनुष का कैरेक्टर, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, एक्शंस भी उन्होंने किया है। उन्होंने अकेले ही कोर्ट जेंट्री और डैनी मिरांडा को टक्कर दे दिया, तो मजा आ गया वो सीन देखकर। और शायद सियरा प्रोग्राम के बाकी एजेंट्स मारे जा चुके हैं, सिर्फ रायन गॉसलिंग का कैरेक्टर सियरा 6 जिंदा है, या फिर आगे हमें कोई दूसरा एजेंट दिख भी सकता है। मूवी का डायरेक्शन जैसा कि मैंने कहा बहुत जबरदस्त नहीं है, एवरेज है। स्क्रीन प्ले फास्ट है, एंगेजिंग है और टू द पॉइंट है, ज्यादा बोर नहीं करती है। एक्शंस के ऊपर काफी फोकस किया गया है और थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा एक्शन दिखाया गया है ऐसा लगा। एक सीन में शहर के बीचों बीच रायन गॉसलिंग के कैरेक्टर को बेंच से बांध दिया जाता है हैंडकफ लगा के, और वहां पर लॉयड हैंसन के एजेंट्स काफी हाईटेक हथियारों से ओपन फायर करते हैं। वहां की लोकल पुलिस बैकफायर करती है, लेकिन एक भी गोली सियरा 6 को नहीं लगता है। ये थोड़ा सा ओवर लगा मुझे, और ये सीन थोड़ा और ज्यादा अच्छे से डायरेक्ट किया जा सकता था, लेकिन रूसो ब्रदर्स ने नहीं किया, थोड़ा सा ओवर लगा। बाकी एक्शंस ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, VFX अच्छे हैं। एक्टिंग की अगर बात किया जाए तो क्रिस इवांस के कैरेक्टर लॉयड हैंसन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है और उन्होंने काफी अच्छी निगेटिव एक्टिंग की है। रायन गॉसलिंग इतने जमे नहीं है इस कैरेक्टर में, और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था वो इतने ज्यादा जमे नहीं है, उनकी जगह पर कोई और एक्टर भी हो सकता था। धनुष ने अच्छी एक्टिंग की है, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, जितना मिला है उन्होंने फाड़ दिया है। डैनी मिरांडा के कैरेक्टर में अनादि आर्मस ने भी ठीक ठाक एक्टिंग की है। CIA के ऑफिसर कर्माइकल, जो एक करप्टेड ऑफिसर दिखाए गए, उनका एक्टिंग मुझे अच्छा लगा, ज्यादा स्क्रीन टाइम उन्हें भी नहीं मिला है लेकिन उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। सो ओवरऑल मूवी को अगर मैं रेटिंग करूं तो 6 स्टार्स दिया जा सकता है आउट ऑफ 10 स्टार्स, और आगे अगर फ्रेंचाइजी बनती है तो डायरेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों ने अगर मूवी देख ली है तो कॉमेंट्स में बताइए आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वीडियोस कंप्लीट देख के, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने बड़ी के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।